आज हम माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़ रहे थे, अपना अभिभाषण दे रहे थे, और उस समय जिस तरह का हरकत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने किया है, लोकतंत्र संरक्षण करने के काम किया है। और एक विधायक जो है, सम्मानित विधायक, वो तो अब बेंच पर ही चढ़ गए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मर्यादा इस हाउस का हम कसम खाकर आते हैं और ओद भी लेते हैं, उस परंपरा को हम तोड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे जो भी माननीय सदस्य हैं कि कम से कम संयत रहे। आपके बोलने के लिए कल से लेकर लगातार 4 दिन समय है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और कुछ ऐसी बातों उठाकर आया तो किसी एक समुदाय को भी इन लोगों ने बात करने की काम किया है। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, कोई जात कोई बात नहीं होता है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को सभी माननीय सदस्य को गंभीरता से लेना चाहिए। और हम जिस लिए चुनकर आते हैं कि जनता की समस्या का समाधान करने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए जो समस्या निष्पादन है वो करें। जहाँ तक घटना जो घटी है, हृदय विदारक है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं जो हम कैसे इसका निंदा करें। और दोषी जो व्यक्ति है, जो लोग भी हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि दोबारा इस तरह का हरकत करने के कोई भी जो है आगे नहीं बढ़े, ये हम चाहते हैं। अच्छा सर, श्वेत पत्र लाने की बात की है जी, क्या श्वेत पत्र लाने की बात की है? देखिए, ये बहुत तो उनकी बात है, हमने सारी बात को आपके सामने रखा है कि विधानसभा का सत्र चलता है, हर चीज का समय है, बोलने का समय है, डिबेटिंग का समय है, सारी बात को रख सकते हैं। लेकिन आज पहली दिन जो होता है डिकॉन्डलेंस के लिए होता है, संविधान देने के लिए होता है, इस समय इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बाबूलाल जी का कहना था सर कि वो पहाड़िया जो लड़की जिनकी हत्या हुई है उनको भी शामिल करना चाहिए था। निश्चित तौर पर, उसका नाम छुटा है तो रखा भी गया स्पीकर के सामने, उसका नाम भी जोड़े। तो ये शोरगुल से पहले ही कर देना चाहिए था सर, जोड़ देना चाहिए था। हाँ ठीक है, ये तो बात रखा गया, जो बात मानने का लायक है। कहाँ ना बोला, हम लोग भी बोले कि उसका संविधान हम लोग भी देते हैं, और हमारे दल के लोग भी बोले, सारे दल के लोग बोले, हम लोग उसे जोड़ेंगे ना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।